नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि दुनिया में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मोदी यूएसए में गए, आर पार की लड़ाई शुरू हो गई, पूरी समझाऊंगा। मिडिल ईस्ट के अंदर आर पार की लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। पाकिस्तान लगा हुआ है आर पार की लड़ाई करने के लिए, किसके साथ? अपने आप के साथ ही। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक सपा है, आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की गेम है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लेयर नए नए खड़े हो रहे हैं, और इस सबके ऊपर जो नजर है हमारी पूरी है। और हम लोग डिटेल में बात करेंगे आज कि भारत का इसमें रोल क्या है, और भारत का जो एक वर्ल्ड स्टेज के अंदर एक स्टेटस है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर एक बैटल फील्ड पूरी तैयार है, और ये हमेशा ही बैटल फील्ड तैयार थी। पहले अमेरिका रशिया से यूएसएसआर था, उसके बाद चाइना अमेरिका शुरू हो गया, अभी भारत का रोल बढ़ता जा रहा है। और हुआ क्या है कि भाई आप सोच के देखिए, यूएसए यूएसए के अंदर मोदी जी ने जाना था, और यूएसए ने एक बैटल फील्ड तैयार कर दी। बैटल फील्ड एक तरफ तो बोलता है कि हमारा वो एलआई है, और दूसरी तरफ आपने देखा उसने एक इतनी बड़ी ब्लंडर करी भारत के साथ कि मोदी जी की टीम वहां पहुंची है, मोदी जी वहां पहुंचे हैं, और मोदी जी ने वहां पर जीत भी हासिल करी। वो कैसे? हमने मोदी जी ने ऐसे आउटस्मार्ट किया है यूएसए को कि अपनी पोजीशन समझा दी कि मैं अब एक मेजर ग्लोबल पावर हूं, तुम्हारी दादागिरी के सामने झुकने वाला नहीं हूं। अब गलती क्या करी और हमने क्या किया, मैंने इसको डिटेल में किया था, अब दोबारा से करता हूं। आप देखिए, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने जस्ट बिफोर मोदीज विजिट एक काम किया कि जो यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिया कि जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया और उनकी बातें सुनी, और उनको बोला असी तोड़े नाल है। और यही तक नहीं है, उसी दिन उन्होंने, जिस दिन मोदी जी ने जाना है, एक दिन पहले एनएसए अजीत डोभाल के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च कर दी। सोच कर देखिए, सेम डे जब हम अपने डिप्लोमेटिक टाइज को यूएसए के साथ स्ट्रांग करने की बात करते हैं, अमेरिका क्या करता है? हमें एम्बेरस करने की, यानी कि भारत की गवर्नमेंट को एम्बेरस करने की वो कोशिश करता है। आपको लगता है कि जो डीप स्टेट है वो पीछे नहीं है इसके? वो नहीं चाहता कि भारत की जो पोजीशन बढ़ती जा रही है ये और बढ़े? और आपको क्या लगता है कि जो ये सारे काम किए हैं ये बाइडेन को पता ही नहीं था? स्टेट डिपार्टमेंट को कई लोग बोल रहे थे, स्टेट डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि एफआईआर लॉन्च हो गई। पॉसिबल है? ओ भाई, जो ये यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको नहीं लगता दे आर फॉलिंग इनटू अ ट्रैप, बेवकूफों वाली ट्रैप है जो पुअर जजमेंट का, उसके अंदर ये फंसते जा रहे हैं? और जो इंडिविजुअल्स पावर को चलाते हैं वहां पर अमेरिका में, उनकी पकड़ पावर के ऊपर इतनी ज्यादा है कि वो बाइडेन को कुछ करने ही नहीं देते, जो वो चाहते हैं वही होता है। आपको नहीं लगता ये डेलिब्रेट इंसल्ट था भारत के ऊपर? मोदी जी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये बैकफायर हुई है। वो कैसे? इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस दिया है अमेरिका की ब्लंडर को। जब अमेरिका बिजी था ये ब्लंडर करने के लिए भारत के साथ, पहले खालिस्तानियों पन्नू के कहने पर एफआईआर, इंडियन लीडरशिप ने कुछ और कर दिया। वो चार स्टेप पांच स्टेप आगे की सोच रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी टीम ने इस इंसल्ट को रखा साइड पर, पीछे हट, हमें फर्क नहीं पड़ता। और इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अजीत डोभाल वो मोदी की टीम के मेंबर नहीं रहे जब यूएसए में थे, और ये कोइंसिडेंस भी नहीं था। हुआ क्या था? उसी दिन जब मोदी अमेरिका में थे, अजीत डोभाल फ्रांस में थे, एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट डिफेंस पार्टनरशिप जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, वो साइन करने के लिए। और फ्रांस ने अनाउंस कर दिया एक गेम चेंजिंग डील, वो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। मैंने इसको पहले भी डिक्लेयर किया था और इसको शेयर किया था, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस, क्योंकि मुझे जो सुनील मल्लिक जी हैं उन्होंने सारा कुछ शेयर किया, आज मैं दोबारा से कर रहा हूं। और इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इंजिन्स, वही इंजिन जो हम अमेरिका से लेने की बात कर रहे थे, अब हमने फ्रांस के साथ वो साइन कर लिया है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अंडर वाटर ड्रोन्स भी हैं।
आप सोच के देखिए, ये सब कुछ तो कर लिया, और बेस्ट पार्ट क्या है, ये सब भारत में ही बनेंगे। फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, इंश्योरिंग कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो बनी रहे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, और गिड़गिड़ाने वाला काम अमेरिका के सामने हमें करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये अनाउंसमेंट सिर्फ डिफेंस की अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक तमाचा है बाइडन के मुंह के ऊपर। मैं बाइडन बोल रहा हूं, वैसे तो यूएसए के ऊपर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें मिसट्रीट किया मोदी जी के इस ट्रिप के ऊपर, हमने भी तमाचा मार दिया। और फ्रांस ने पूरी अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया है, आखिरी सेकंड पर ही मीटिंग्स अरेंज करी हैं, और यूएसए की जो पोजीशन है उसको अंडरमाइन किया, और भारत को एक इतनी बड़ी डील ऑफर कर दी। ये वही डील है जो वॉशिंगटन यानी कि बाइडन हेजिटेट कर रहा था हमें डिलीवर करने के लिए। हमारे साथ एग्रीमेंट किया था अमेरिका ने, क्या कि ये इंजिन की टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर की जाएगी, इंजिन भी ट्रांसफर किए जाएंगे, नहीं किए। और इसलिए भारत ने इतनी बड़ी जलम, जिसको बोलते हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, सब कुछ लगा दिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। आपको लगता है नहीं है कि ये भारत ने जो किया है वो तो किया ही किया, फ्रांस ने भी तमाचा मार दिया यूएसए की हेजेमनी को तोड़ने के लिए। अब इसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते हैं। फ्रांस ने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा ही। आपको मालूम है कि एक बार ये फ्रांस अपनी सबमरीन्स को, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ऑस्ट्रेलिया को बेच रहा था, उसके अंदर यूएसए घुस गया था और फ्रांस की डील को कैंसिल करवा दिया था। आपको नहीं लगता फ्रांस ने उसका बदला आज लिया है भारत के साथ, उससे बड़ी डील साइन कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कर दी। टिपिकली जब ऐसे एग्रीमेंट्स होते दोस्तों, वो कभी भी एकदम से अनाउंस नहीं होते, वो ऑफिशियल विजिट्स होती हैं, कंट्री के हेड्स आते हैं और उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाता है, एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। लेकिन फ्रांस ने डिसाइड किया कि इसको अजीत डोवाल जब वहां पर फ्रांस में बैठे हैं उसी वक्त साइन कर दिया, अनाउंस भी कर दिया है, और उस वक्त मोदी जी फ्रांस नहीं थे, यूएसए में थे। दैट मीन्स ये जो एग्रीमेंट साइन किया है ये अमेरिका को दिखाने के लिए था कि तुम अगर भारत को अंडरमाइन कर रहे हो, मुझे अंडरमाइन कर रहे हो, हम दोनों मिलकर तुम्हें अंडरमाइन करेंगे। इट वॉज अ क्लियर जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट अगेंस्ट यूएस हेजेमनी। और आपको मालूम है जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, इटली है, बाकी और भी जो यूरोपियन नेशंस हैं, वो दुखी हो चुके हैं अमेरिका के नीचे दबकर, क्योंकि अमेरिका हर चीज वो करवाना चाहता है जो उसकी फेवर की होती है। और यूक्रेन का जो वॉर है उसके अंदर यूरोप ने देख लिया कि हमें बर्बाद कर दिया अमेरिका ने, और अब उन्होंने भारत के साथ अलाइन करना शुरू कर दिया है। और ये बड़ा क्लियर मैसेज यूएसए को दे रहे हैं कि हम तेरी परछाई के नीचे रहना ही नहीं चाहते, हम न्यू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को अब क्रिएट करेंगे। और भारत ने क्या किया, भारत ने भी अपनी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है और मिलिट्री माइट है उसको और इंक्रीज कर दिया, और हम अब वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बड़ा क्लीन एक की प्लेयर हम बनते जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो दुनिया है वो बड़ी ही यूनिपोलर यानी कि एक ही दादा था पूरी दुनिया में, वो डिक्लाइन हो रहा है और भारत ने एक नया पोल खड़ा कर दिया। और वो लार्जर थीम क्या है, थीम ये है दोस्तों कि यूएसए का जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो टूट के नीचे गिर रहा है, उन्होंने डोमिनेट किया ग्लोबल पॉलिटिक्स को, अपनी पावर को यूज किया और उन्होंने हर कंट्री के अंदर दखल अंदाजी करी है, जहां मन किया वहां पर उन्होंने गवर्नमेंट को घेर दिया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में भी यही कुछ किया था, वहां पर रजीम चेंज इन्होंने इंजीनियर करी यूएसए ने। और ऐसा आपको मालूम है कितनी और कंट्रीज हैं जहां पर उन्होंने या तो रजीम्स को गिरा दिया, वॉर्स को शुरू करवाया, लेकिन अब दुनिया चेंज हो रही है। अब रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ये स्टेप अप कर रहे हैं, और यूएसए को बहुत हार्ड टाइम मिल रहा है कि अपने ग्रिप जो उसकी वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर थी वो स्लिप होती जा रही है। और उसका रीजन एक और भी है, उसका रीजन है सोशल मीडिया का राइस। अब बहुत ज्यादा लोग हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं और यूएसए का मुंह काला हो रहा है हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर भी, इससे भी उनकी जो पोजीशन है ग्लोबल स्टेज के ऊपर यूएसए की वो वीक होती जा रही है। ऊपर से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बेवकूफियों के बाद बेवकूफियां करती जा रही है, जैसे मोदी जी के साथ किया।
और इसलिए कंट्रीज ने भी रिजिस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत तो इसके अंदर बहुत आगे है कि अब हम अपने कंट्री में अपनी गवर्नमेंट को गिरने नहीं देंगे और तुम्हारी मैनिपुलेशन को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ मिडल ईस्ट है और इसराइल है, वहां पर भी आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अभी अब मैंने बताया आपको यूएसए इंडिया के जो डायनामिक्स हैं वो कैसे चेंज हो गए एक एग्रीमेंट के कारण। अब देखते हैं मिडल ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ को ये भी टच करती है। और आपको मालूम है जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, सैल्यूट टू दिस गाय, 1,000 में 3,000 लोग मार दिए, अगले दिन 500, उसके बाद लेबनान में जाकर उनके लीडर्स को भी मार दिया, हिजबुल्ला के पूरी की पूरी टीम टॉप टू बॉटम ऊपर। ये होता है एक डिसाइसिव एक्शन, उन्होंने एक ऑल आउट ऑफेंसिव शुरू कर दिया और साथ में बोल दिया, उन्होंने हिंदी में बोला है आर पार की लड़ाई, टोटल एनिहिलेशन ऑफ हिजबुल्ला और एनी अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो कॉन्टिन्यूसली मिसाइल फायर कर रहे हैं हिजबुल्ला के ऊपर, हमास के ऊपर, और हिजबुल्ला और हमास वाले भी कम नहीं है। उनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को खाना नहीं है, दाने नहीं है, लेकिन मिसाइलें हैं, बॉम्ब हैं। वो कहते हैं हम तो जैसे पाकिस्तान ने बोला था घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, उनका अपना बम्ब भी फटने वाला है। ये हालत हमास और हिजबुल्ला की भी है। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि यार हमास, हिजबुल्ला, इसराइल का हमारे से लेना देना क्या है। दोस्तों ये इसराइल अपने सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहा, सिर्फ वो जो लड़ाई कर रहा है, अगर इसराइल गिर गया कल को ये भारत में पहुंचेंगे, क्योंकि दुनिया में दो ही रेजिस्टेंसेस हैं इस फोर्सेस के अगेंस्ट, जो इसको हम रेडिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। एक इसराइल जिसने इनको टका के रखा हुआ है और दूसरा है भारत। 1000 साल से भारत ही है जो ये कन्वर्ट नहीं कर पाए इस गंदी इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर। और जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो इसराइल को आज जो टारगेट कर रहे हैं वो कल को भारत की तरफ पूरा रुख हमारे ऊपर कर देंगे। और इसराइल और भारत के जो ये थ्रेट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, और इसराइल को पता लग गया कि उन्हें जब तक डिसाइसिव एक्शंस नहीं लेंगे तब तक वहां पर शांति नहीं रह सकती, और ये भारत को भी लेना पड़ेगा। अब ये मैंने आपको दो एंगल तो दिखा दिए आर पार की लड़ाई, अब ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी बात करते हैं। आखिरी यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो मिडिल ईस्ट के साथ, भारत का डिप्लोमेटिक बैटल्स जो हम लड़ रहे हैं आज की डेट में, हमने देखा एक चीज कि सारे के सारे जो ओल्ड पावर्स हैं वो लगी हुई हैं किसके लिए, ये युद्ध और बढ़ते जाए। अमेरिका ने पूरी कोशिश करी भारत का चाइना के साथ युद्ध शुरू हो जाए, हमने भी उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया चाइना के साथ, और चाइना बॉर्डर से पीछे हट गया। जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो बड़े ही खूबसूरती से उसको दिखाती है कि देखिए हमने तो रशिया की पीठ तोड़ दी, बट दोस्तों असलियत कुछ और है। एज ए नेशनलिस्ट इंडियन हम देखते हैं रियलिटी के ऊपर, रशिया ने युद्ध हारा नहीं है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ यूक्रेन जीत लिया है, और वेस्टर्न मीडिया का दिखाता है यूक्रेन जीत रहा है। सबको मालूम है कि यूक्रेन हार रहा है। आज यूक्रेन की हालत यह है कि 50% न्यूज आई है 50% ऑफ यूक्रेनियन वुमेन वो धंधे पे लग गई हैं, काम ही नहीं है, मर्द मर चुके हैं, खाने को पैसे नहीं है, ब्रॉथल्स में काम कर रही हैं पूरी दुनिया में जाकर। और दूसरी तरफ इसराइल है वो भी विक्टोरियस निकलता जा रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड का मीडिया है वो यही दिखाता है कि जी हमास वाले देखिए कितना बुरी हालत है उनकी, विक्टिम कार्ड वहां पर उनकी फेवर में खेलना शुरू कर दिया ताकि वो जाकर इसराइल को डिस्ट्रॉय कर दें। ये वेस्टर्न मीडिया का ये हाल है, तभी बोल रहा हूं ओल्ड वर्ल्ड पावर्स अब डिक्लाइनिंग में है क्योंकि ये बुद्धि खत्म हो चुकी है उनके पास। और भारत, भारत को भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स के लिए जैसे इसराइल लेता है, इसलिए हमने भी अब आंखों में आंखें डालकर बात करनी शुरू कर दी। अमेरिका ने दादागिरी दिखाने की कोशिश करी, हमने भी ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि अब हम अमेरिका अगर हमें इंजन की टेक्नोलॉजी देने की बात भी करेगा हम गए पीछे हट यार, टाइम नहीं है तेरे लिए।
और ये जो सारी फोर्सेस हैं, आपको लगता है कि हमने तमाचा मारा है, ये हमारे कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और हमारे कंट्री में तो एक धुरत बैठा ही है, राहुल गांधी, और साथ में उनके चहेते सारे मोमिन, वो तो हर रोज चाहते हैं कि यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो। तो दैट मीन्स भारत के लिए अब क्या है, क्या लेसन है कि पूरे दुनिया में तो आर पार की लड़ाई शुरू कर दी, हमने भी कर दी, अब हमारे लिए इसका मीनिंग क्या है? दोस्तों इसका मतलब एक ही है कि एक नया युग शुरू होने वाला है, न्यू एरा ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, और हम एक पैसिव प्लेयर नहीं रहे, ये एक फ्यूचर क्रिएट हो रहा है हमारा, जिसमें स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हम करते जा रहे हैं और हम अपनी इंडिपेंडेंस पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हम एसर्ट भी कर रहे हैं। यूएसए की जो यूनिपोलर वर्ल्ड की डोमिनेंस थी, उसको खत्म करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और हम एक फोर फ्रंट के ऊपर हैं न्यू वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर के। और मोदी और मोदी की टीम बार बार दिखाया है कि हमें अंडरमाइन मत कीजिए, हमें एम्बेरेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप हमें एम्बेरेस करने की कोशिश करेंगे हम भी पीछे नहीं हटेंगे, जयशंकर इसके लिए बहुत है, और हम एक फ्यूचर बना रहे हैं भारत के लिए, जहां भारत अकेला इंडिपेंडेंटली खड़ा रहेगा स्ट्रांगली, और सारी जो फोर्सेस हैं वर्ल्ड की उसको मात भी देगा। दोस्तों ये है आर पार की लड़ाई। हम आर पार की लड़ाई जो मैं बात कर रहा था आपके साथ, वो ये नहीं थी सिर्फ कि ये युद्ध चल रहा है, आर पार की लड़ाई है वर्ल्ड डोमिनेंस की, वर्ल्ड स्टेज पे अपनी पोजीशन क्रिएट करने की। और मोदी जी ने ये लड़ाई, या ये इसको बोले चैलेंज, को बड़ी ही खूबसूरती से एक्सेप्ट भी कर लिया, एसर्ट भी कर लिया, और तमाचे जब मारते हैं उसकी गूंज अभी तक कानों में गूंज रही है। थैंक यू, जय हिंद, एंड एंजॉय करते रहें, वंदे मातरम।